तो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हो सारे? होप्स सारे के सारे बढ़िया होंगे, तो हम बना देंगे तुम्हें बढ़िया। सो फाइनली आ चुके हम लोग एक और रिएक्शन के साथ वापस। एंड हो वी गोना रिएक्ट टू बटरफ्लाई बाय जस मानक। फाइनली जिनको नहीं मालूम है, हमने नो कंपटीशन एल्बम ऑलरेडी स्टार्ट कर दी, ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है। एंड डिवाइन एक्स जस मानक का जो ट्रैक था नो कंपटीशन, वो मैंने ऑलरेडी रिएक्ट करके डाल दिया है चैनल पर, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी ये दूसरा ट्रैक हम लोग चेक करने वाले। और या ऐसे ही आते रहते रिएक्शन, तो जिनने सब्सक्राइब नहीं किया भाई लोग कर दो भाई, ठीक है कर दो। 10K हो गए हैं अभी, नेक्स्ट टारगेट अपने लिए 15K है ऑब्वियो, ठीक है तो जाके कर दो सब्सक्राइब। बाकी या लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, और बाकी सब बातें अपन बाद में करेंगे, ठीक है। शेरी नेक्सस ने बीट बनाई है, मेरा फेवरेट प्रोड्यूसर है भाई वो। hey. बनके तुसी बटरफ्लाई किथे नू चले आ। लड़कियों ने एक्चुअली बटरफ्लाई की ड्रेस पहनी हुई है। हैगा कोई बॉयफ्रेंड जा तू सी भी कल्ले आ। मंगनी ता नहीं ओ हो गई, मंगनी ता नहीं ओ हो गई, हत्था विच शल्ले आ। हैगा कोई बॉयफ्रेंड जा तू सी भी कल्ले आ। तो बेसिकली यू नो तू बटरफ्लाई बनके कहाँ पे जा रही है, एंड यू नो तेरा कोई बॉयफ्रेंड है या तू भी मेरी तरह सिंगल है भाई, यू नो। और उसने वो हाथ पकड़ के देखा कि हत्था विच शल्ले या, तो बेसिकली आई थिंक सो हाथ में ब्रेसलेट एंड समथिंग ऐसा कुछ है। ओके लेट मी सी। हैगा कोई बॉयफ्रेंड जा तू सी भी कल्ले आ। बनके तुसी बटरफ्लाई किथे नू चल्ले आ। हैगा कोई बॉयफ्रेंड जा तू सी भी कल्ले आ। ये वीडियो कहाँ पे शूट हुआ है भाई, कहीं फॉरेन कंट्री है ये? लेट मी नो गाइस, लेट मी नो। इंडियन जा पाकिस्तानी किथे दी तू है रानी, मैं तेरा बाजीरा बन जा मेरी मस्तानी। इंडियन जा पाकिस्तानी किथे दी तू है रानी, मैं तेरा बाजीरा बन जा मेरी मस्तानी। सो ही सेड बेसिकली कि यू नो इंडिया या पाकिस्तान तू कहाँ की रानी है भाई, यू नो आई एम योर बाजीरा बी माय मस्तानी। अरे यार मैंने ये थोड़े टाइम से देख रहा हूँ, यू नो जस मानक का एक ये है कि मतलब वो रेफरेंसेस यू नो मूवीज़ और सम फेमस रेफरेंसेस देता है, यू नो बेसिकली यार क्योंकि उसके सॉन्ग्स भी इतने मिलियंस में जाते हैं ना बेसिकली, तो वो थोड़े यू नो सब जानते हो ऐसी चीज़ें बोलता है, दैट्स द थिंग आई नोटिस्ड। जा मेरी मस्तानी कैटरीना कैफ तोटे तो बहुत ही थल्ले आ। हैगा कोई मतलब बेसिकली कि कैटरीना कैफ भी तेरे नीचे है बेसिकली, कैटरीना कैफ इज बिलो यू, सो यू आर मोर ब्यूटिफुल देन कैटरीना कैफ। या शी इज ब्यूटिफुल, ज्यादा नहीं देखा मैंने, ठीक है मतलब, ठीक है मतलब अच्छे से अपन देखेंगे कभी, फिर अपन बताएंगे कौन ब्यूटिफुल है ज्यादा। मैं नहीं बोलूंगा भाई, मैं नहीं बोलूंगा, जस्ट मानक भाई बोल देना बस, ठीक है बात वहां खत्म हो जाती है। बॉयफ्रेंड जा तू सी भी कल्ले आ। बनके तुसी बटरफ्लाई किथे नू चल्ले आ। हैगा कोई बॉयफ्रेंड जा तू सी भी कल्ले आ। बनके तुसी बटरफ्लाई किथे नू चल्ले आ। हैगा कोई बॉयफ्रेंड जा तू सी भी कल्ले आ। चांजर तेरी शोर ज कर दी ओहो, तोर तेरी मोरा वर्गी। सानू तू क्यों तड़पावे का तू इग्नोर ज कर दी। चांजर तेरी शोर ज कर दी। उसने क्या पहना होता बेसिकली कि एंकलेट तेरी शोर करती, के लिए तूने उस पे कुछ पहना हुआ है, एंड तेरी जो वॉक है मोर के जैसी है बेसिकली, एंड अब तो भी तू मेरे को क्यों इग्नोर करती यार, वो मुझे बता, दैट्स द थिंग। कर दी चांजर तेरी शोर। हां कुछ पहना हुआ बेसिकली। कर दी तोर तेरी मोरा वर्गी। सानू तू क्यों तड़पावे चेहरे थोड़े ने कुछ भी छड़िया ना पल्ले आ। हैगा कोई बॉयफ्रेंड जा तू सी भी कल्ले आ। बनके तुसी बटरफ्लाई किथे नू चल्ले आ। हैगा कोई बॉयफ्रेंड जा तू सी भी कल्ले आ। बनके तुसी बटरफ्लाई किथे नू चल्ले आ। हैगा कोई बॉयफ्रेंड जा तू सी भी कल्ले आ। शर्नैक्सस बेसिकली उसने बोला कि यू नो तेरे चेहरा इतना ब्यूटीफुल है बेसिकली कि उसने मेरे अंदर कुछ छोड़ा ही नहीं, मतलब सब लूट के ले गई भाई तू, दैट्स द थिंग। अरे यार इसकी जैसी आवाज़ किसी की नहीं है भाई इंडस्ट्री में, दैट आई कैन से, मतलब यू
मतलब बहुत सारी चीजें होती है यू नो यूज करने के लिए, कि एक बंदे की आवाज तुम अच्छी बना सकते हो. मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारी आवाज़ ठीक ठाक है, तुम उसको एकदम बेटर ही बना दो. मतलब देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मिक्सिंग मास्टरिंग, बट भाई ये जो आवाज़ लेके आया ना उस पर मतलब वो सब चीज़ें भी ऐड होती हुई है, पर इसकी आवाज़ बिना उसकी भी मैंने सुनी है, तुमने मेरे को भेजी है लिंक्स में. दैट इज़ द थिंग. मतलब यार मतलब उस पर एवरीबडी डज दैट इक्वलाइजेशन एंड दैट ऑल थिंग्स, ठीक है सबको मालूम है ठीक है, बट उसकी आवाज़ फिर भी बहुत दमदार है. मतलब वो पढ़ने के बाद उस पर और दम आ जाता है, दैट इज़ द थिंग. तो ये बंदा बना ही बड़ी चीज़ों के लिए, दैट्स द थिंग भाई, आई कैन से. और चेक करें क्या एक बार सॉन्ग बटरफ्लाई लिरिक्स, जस मानक सब जस मानक ने किया हुआ है. म्यूजिक शेरिन एक्सेस अपने देख लिया था. सती दिलौन ओके ओके ओके. फीमेल लीड थी रितु पमनानी, ये पता नहीं मैंने कहाँ नाम सुना है बेसिकली यार, इंस्टा इंस्टा पे कहीं देखा होगा मे बी, आई डोंट नो, बट शी वॉज ब्यूटीफुल ठीक है. बाकी इनने बोला होगा लास्ट में कि मेरे इस पे 10-15 मिलियन व्यू करा दो तो मैं वीडियो लेके, नहीं नहीं ये तो वीडियो ही था ना. मच नो कंपटीशन एल्बम नो इनी सपोर्ट करने दे लई ओके, इसमें बोले नो कंपटीशन एल्बम मैंने दैट ऑल. सपोर्ट करो भाई को, मैं लाइक कर दूं भाई, लाइक करो इसको. बाकी मेरे को गाना पसंद आया यार, मेरे को बहुत सही लगा ठीक है. मेरे को आवाज़ से लेकर सब कुछ इफेक्टिंग भाई, शेरिन एक्सेस वो देयर भाई ठीक है. मेरा मतलब मैं वो बंदा हूँ जो मतलब इतनी फीमेल लीड अच्छी थी तो भी मेरा ध्यान पूरा उसके वोकल्स एंड जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट से भी ज़्यादा मेरे को उसकी वोकल्स एंड एवरीथिंग, उसकी बीट पे बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा था. दैट्स द थिंग. पर अपन तो वीडियो बार बार देखते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने कल प्राडा भाई कितनी बार सुने, 50 बार सुन लिया यू नो एयरफोन में लगा के. मेरे को मज़ा आ रहा है यार ये देख के ठीक है. धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे मैं ये सॉन्ग सुनता जा रहा हूँ. मेरे को मैं बहुत कम ऐसे रिपीट पर गाने सुनता हूँ. प्राडा जैसा गाना भाई मैंने 50 बार सुना था, समझ सकते हो तुम. दैट इज़ द थिंग. बाकी लेट मी नो तुमको क्या मज़ा आ रहा है एल्बम रिएक्शंस में ठीक है. योर ओपिनियन अबाउट माई रिएक्शन दिस सॉन्ग एवरीथिंग, ड्रॉप अ लाइक इफ यू लाइक द वीडियो. बाकी मेक श्योर टू सब्सक्राइब जिसने नहीं किया यार, मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करो यार. क्या कर रहे हो तुम लोग यार, ठीक है कर देना. क्योंकि लेके अभी मेरे एग्जाम एग्जाम्स भी सब है ना, तो उधर हम लोग बकचोदी करते रहते तो हम लोग स्टोरी वोरी डालते हैं, तो वो सब भी देख लेना. बाकी मिलते तुमसे किसी और अच्छी रिएक्शन में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे केयर एंड टाटा. हुआ मैं तो ये गेमों का खेल के टिकटॉक और चूतियों की गाना हम पहले थे. गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेब्लेड, हल्का समझते अब कहता हूँ चेक में. स्कूल में तो लिखता रहे बुक थी क्लास में, टिकते ही टिकते हैं गुम हो गए बैचमेट. ओके मिले फ्रॉम द पीपल हु आर फेक, एम11 विद वुमन और अ स्नेक. अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक, इमेजिनेशन में किया था बेक.